7 मई 2023 को मैंने ये अपने 1.5 बीघा के खेत में बैम्बू लगाए थे, ये देखने के लिए कि अगर आप एक तरफा बैम्बू खेत में लगाना चाहते हैं तो उसकी सही दूरी क्या होगी। ये बैम्बू मैंने 15x10 पर लगाए थे, जो मेरी ये डिस्टेंस है लाइन से लाइन के बीच की दूरी 15 फीट है और जो पौधे से पौधे की है वो 10 फीट है। इसमें मैंने 6 वैरायटी लगाई थी। पहली वैरायटी है येलो वलग्रीस और ये जो ये वैरायटी है मेरे इस तरफ है ये है पॉलीमार्फा। ये देखिए ये है न्यूटन, ये न्यूटन है और आप देखिए इन दो पौधों के बीच में कोई भी जगह नहीं है, ये 10 फीट पर है। दोनों पौधे मैंने लगाए थे 10 फीट पर लगाए थे। उसके बाद है इसमें ये आपका बालकुआ, बालकुआ के बाद में है सिस्टोक्साई और उसके बाद में है ग्रीन वलग्रीस। ये 6 वैरायटी मैंने लगाई थी इसमें, ये देखने के लिए कि मेरे उत्तर भारत में कौन सी वैरायटी अच्छी चलती है और किससे हमें सबसे ज़्यादा बैम्बू। ऐसा कहा जाता है कि पहले 2 वर्ष जो बैम्बू प्लांट होता है जो हम लगाते हैं वो वृद्धि करता है और नीचे जो जड़ में है जमीन में है वो राइजोम का, जो उसकी जड़ें होती हैं बैम्बू की, उनका विस्तार होता है। 2 साल के बाद 3रे साल से उसमें सूट निकलना शुरू होते हैं। ये सूट क्या होती हैं मैं थोड़ा ये बताऊंगा आपको। ये देखिए ये पॉलीमार्फा है और अगर आप देखें इसके नीचे से, ये देखिए ये सूट है, ये देखिए ये सूट निकल रही है, ये सूट, उस सूट से ये बैम्बू बनते हैं। ये देखिए ये बैम्बू, ये बैम्बू, ये बैम्बू होते हैं असली में। और ये जो बाकी होता है, जैसे आप ये देखेंगे ये वाला जिसमें ये साइड से आपके नोड पर ये टहनियाँ निकलती हैं, इसे हम कहते हैं बैम्बू प्लांट। ये इसके लिए सहायक होता है और जड़ों का विस्तार करता है और इसके लिए भोजन बनाता है। पत्ते जो होंगे ना, जितना भी बायोमास होगा वो सब इस पर होगा। तो इस पर जो ये सूट निकलती हैं, इस पर कोई इस तरह की नोड नहीं होती और इस पर ये पत्ते होते हैं। आप देखेंगे ये जो ये पत्ते हैं ये होंगे जो बाद में सूख कर गिर जाते हैं और ये बैम्बू 5 से 6 महीने में अपनी पूरी हाइट ले लेता है, जो भी इसको 30-35 फीट की लेनी होती है। उसके बाद में जब ये हाइट ले लेता है पूरी, उसके बाद में ये मोटा होना शुरू होता है और 1 साल में आपका बैम्बू अगले 1 साल में तैयार हो जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि आपका 1.5 साल में बैम्बू तैयार हो जाएगा। चलिए मान लीजिए सबका नहीं 1.5 साल में होता, हम 2 साल मानकर चलते हैं, 2 साल में आपका हो जाएगा। मैं और भी बैम्बू दिखाऊँगा लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे आसपास के भी आते हैं। एक किसान भाई हैं, उसने 5,000 पौधे मंगाए, उसके लगभग 4,000 पौधे ख़त्म हो गए। बहुत से ऐसे लोग हैं मैंने देखे हैं कि वो बैम्बू लगाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो नर्सरी वाले हैं बेचने वाले हैं उनको बड़े स्वप्न दिखाते हैं, हाई डेंसिटी पर लगवाते हैं, उनकी सही देख रेख नहीं बताते हैं और उसके पास क्या व्यवस्था है इसका कुछ भी नहीं बताते हैं, उन्हें अपनी नर्सरी बेचने से मतलब है। तो मैंने ये जो मॉडल लगाया था, ये लगाया था कि आपको किस बैम्बू से कितना उत्पादन मिलेगा और कितना फ़ायदा होगा। ये देखिए पॉलीमार्फा में आप ये 1.25 साल का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ये बांस हैं जो कि 1.25 साल में मेरे को 7 बांस मिल रहे हैं, यानी अगले साल मैं इनको कम से कम 7 बांस इसमें से काट सकता हूँ। इसी तरह से ये मेरा जो न्यूटन है इसको भी देखिए, इसमें से भी कितने शूट निकल रहे हैं। न्यूटन में थोड़ा फर्क है, इसमें अगर जो ये देखो ये बैम्बू प्लांट ज़्यादा निकले हैं, ये सब बैम्बू प्लांट हैं। ये देखिए ये जितने भी हैं बैम्बू प्लांट हैं और इनका होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे भोजन मिलता है। और अगर आप ये देखें
तो इसमें अभी सूट निकलनी शुरू हुई है, ये देखिए नीचे की तरफ देखिए। अगर आप देखेंगे ये सूट निकलनी शुरू हुई है, एक दो तीन, ये सूट निकलनी शुरू हुई है। देखिए ये सब सूट है, नीचे देखिए कितनी सूट है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन है वो पहले अपना बेम्बू प्लांट ज़्यादा देता है पोलीमार्फा की अपेक्षा, जिसमें कि इतने बड़े बड़े बांस भी मिल गए मेरे को। अब आती है दूरी की बात। किसान साथियों, ये मॉडल मैंने बहुत सोच समझकर, आपको पता है कि मेरी बाउंड्री पर देखिए पीछे कितने बड़े बड़े बांस हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने 6 फीट पर भी बाउंड्री पर लगाए हैं, और ये तो मैंने बिना सोचे समझे लगाए थे। इनके परिणाम से ही उत्साहित होकर मैंने ये मॉडल लगाया, मैंने 15x10 पर लगाया, और आप देखिए आज क्या हालत है। लेकिन जो मैंने देख रेख की है आज मैं वो आपके साथ साझा। ये जो प्लांट है मेरा, जिस पर मेरा हाथ में पकड़ा हुआ है, ये ग्रीन वल्गरिस है। इधर भी देखिए ये ग्रीन वल्गरिस है, और इसमें बैम्बू देखिए आप, ये बैम्बू हैं जो सूट्स हैं निकलती है। बाकी डिस्टेंस आप देख लीजिए खुद कि ये यहाँ पे मुश्किल से 1.5 फीट की डिस्टेंस होगी इसमें। किसान साथियों, ये मत सोचिए जैसा हाल नींबू का हुआ था कि आप हाई डेंसिटी पर लगाएंगे और हाई डेंसिटी पर लगाए से प्रत्येक पौधे से आपको उतने ही बांस मिलेंगे जितने के दूर डिस्टेंस पर लगाए से होते हैं। ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर पौधे को अपने आसपास फैलने के लिए जगह चाहिए, और जब वो जगह नहीं मिलेगी तो उसमें बैम्बू कम निकलेंगे लेकिन सीधे जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको पहले वर्ष में इसमें साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा वर्ष है, ये बीच में सिर्फ इतना घास है इसमें, लेकिन अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ कोई घास नहीं मिलेगा नीचे इसके, क्योंकि ये पूरी छाया हो जाती है और छाया में घास नहीं होता है, और इसमें भरते भरते यहाँ पर पूरे बैम्बू आ जाएंगे आपके। हमने क्या किया था, जब ये लगाए थे तो 1 फीट का हमने गड्ढा बनाया था, उसमें हमने गोबर की खाद और एक ऑर्गेनिक मैन्योर है बोन मील मिलाकर डाला था, और फिर हमने इसमें पानी दिया था, 2-3 बार ब्रश कटर से इसकी सफाई की थी, और अपने छोटे टीलर से इसे जुताई भी करवाई थी जिससे घास मर जाए। हर 3 महीने में हमने इसमें DAP यूरिया और पोटाश भी डाला था, और करीब जब बड़े हुए धीरे धीरे बड़े, पहली बार 50 ग्राम उसके बाद 100 ग्राम, तो इस तरह कर हमने इनमें खाद दिया था। खाद देकर हमने इनकी जड़ों में, जो ये इनकी जड़ें हैं वहाँ पर, खाद हमने यहाँ पर डाला था ये इतने हिस्से में, और ये गोबर में मिलाकर डाला था हमने। एक बार गोबर में अवश्य मिलाते हैं फिर वैसे ही डाल देते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी लगवाई थी जिससे कि खाद मिट्टी में दब जाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो ग्रोथ 2 साल में होनी थी, 2 साल के बाद ये सूट निकलने थे, 1 साल के बाद निकलने शुरू हो गए। तो यहाँ पर आपकी 1 साल की बचत हुई और पौधे हो गए। इस साल हमें उम्मीद नहीं है कि हमें इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इससे कितनी आमदनी होगी हम आप लोगों को जब ये कटेंगे वो भी दिखाएंगे, और कितने बांस मिलेंगे ये भी बताएंगे। हाँ, अभी तक के निष्कर्ष पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उत्तर भारत में कौन सी वैरायटी मुझे बढ़ने में, बढ़वार में और देखरेख में अच्छी, मुझे 5 वैरायटी अच्छी लगी, वो है बालकुआ, टुल्डा, पोलीमार्फा, न्यूटन और ग्रीन वल्गरिस। आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपको बाउंड्री पर लगाना है अपने, तो बालकुआ और टुल्डा और न्यूटन, इन 3 में से कोई भी लगाइए, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, देखरेख आपको पहले वर्ष जितनी देखरेख करेंगे, और ये मत सोचिए कि लगा के छोड़ दिया इसको, लेकिन आपको जितनी देखरेख करेंगे उतनी ही जल्दी बांस कटेगा। अगर इस प्रकार आप खेती करेंगे
आपको चौथे साल, 4 साल के बाद ही आप बांस काट सकते हैं पहले वाला, और फिर हर 2 साल के बाद में आप अपना बांस काट सकते हैं। मैंने आपको 1 साल की वृद्धि दिखाई है, ये देखिए, ये 1.25 साल की है। नीचे इसमें कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ खाद लगेगा। इसी चीज़ को अगर आप 5x5 पर करेंगे तो मैं दिखाता हूँ कि उसका क्या अंजाम होगा। आइए ये देखते हैं। 3 साल का पौधा हो जाएगा सितंबर में। ये इसका बांस है, जो बांस है ना मैंने पहुंचा था अभी, ये लगभग 25 फीट का हुआ होगा, ये इसी वर्ष का निकला हुआ सूट है, और ये बांस है। ये दूरी मैंने, ये मेरी बाउंड्री है किसी किसान के साथ में, उन्होंने इसमें पॉपुलर लगाया हुआ था और मैं बहुत परेशान था उससे, तो मैंने यहाँ पर बांस लगाए हैं। और ये देखिए अभी भी इसमें सूट चल रहे हैं, ये सूट चल रहे हैं, लेकिन इसमें उतने बांस नहीं हैं जितने उधर हैं, इसकी ग्रोथ उतनी नहीं है। हाँ, ये सीधे हैं क्योंकि 5 फीट पर लगाए थे, और इसकी मैंने बहुत अधिक देखभाल नहीं करी। जब ये लगाए तभी मैंने इनमें भी थोड़ा खाद दिया था, इसकी उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी इसकी है 1 साल के की। इधर देख लीजिए, ये इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कितने अच्छे बांस निकल रहे हैं इसमें, ये देखिए। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें सूट अब चले हैं ज़्यादा, ये देखिए ये सूट है, बम्बू है, ये बैम्बू है, ये बालकुआं वैरायटी है, और इसमें काफ़ी चल रहे हैं। ये 5 फीट पर मैं, लेकिन उतनी वृद्धि नहीं है। एक मेरा जो 4 साल का है, जो सबसे पहले मैंने बाउंड्री पर लगाए थे, ये बैम्बू मैंने 4 साल पहले लगाए थे, सबसे पहले ये लगाए थे, और मुझे न दूरी का पता था न बैम्बू के बारे में कुछ पता था, ये लगाए थे। और ये देखिए अब इनमें कितने बांस हैं, ये देखिए। अगले वर्ष मैं इनमें से सोच रहा हूँ कि एक बांस कटाने शुरू करूँगा और देखूँगा कि इसमें से कितनी आमदनी होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ, मैंने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की इसमें जितनी दूसरी फसलों में होती है, और मेरी ये जो ये मेड़ थी इसकी मिट्टी बार बार कट जाती थी जब मैं इसमें धान लगाता था, और अब ये सुरक्षित है। आप देखेंगे इस तरफ, देखिए ये देखिए, ये 4 साल का रिजल्ट है। सितंबर में ये 4 साल के हो जाएंगे, सितंबर में लगाए थे मुझे अच्छी तरह याद है, ये देखिए 2020 सितंबर में लगाए थे मैंने, और देखिए कितने बैम्बू हैं इसमें, कम से कम भी 20-25 बैम्बू होंगे, और इतने बड़े बड़े बैम्बू। ये थी एक मेरी छोटी सी प्रस्तुति कि अगर आप एक तरफा बैम्बू लगाना चाहते हैं उसके क्या रिजल्ट मिलेंगे, कितनी मेहनत होगी, और अगर अच्छी देखभाल करेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे होंगे। जहाँ तक बैम्बू की बिक्री का सवाल आता है, हमारे यहाँ स्टार पेपर मिल है, वो 500 रुपये क्विंटल लेता है। मॉइस्चर का लेवल है, मैंने अभी मॉइस्चर नहीं टेस्ट कराया है, और उसका मॉइस्चर टेस्ट कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अगर एक हफ्ता इनको काट कर रख लो तो आपका मॉइस्चर उतना हो जाएगा, लेकिन वो कितना होगा ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और इसे काटने के लिए मेरे पास बैम्बू खरीदने वाले अपने आप आते रहते हैं, कहते जी जिस दिन भी आपको काटने हो बेचने हो हमें अवश्य बता देना, वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। चूँकि ये सभी फर्नीचर में, आपके बायोमास में, सीडी बनाने में, जो कंस्ट्रक्शन का सामान होता है उसे बनाने में, सब्जी लगाने में, हट बनाने में बहुत तरह से काम आता है। और जो ग्रीन वेलग्रीस वैरायटी है उसका आप मुरब्बा भी डाल सकते हैं, उसका अचार भी डाल सकते हैं, उसे मार्केट कर सकते हैं। और अगर आप प्रोसेस कर बेचोगे अचार या मुरब्बा बनाकर बेचोगे तो आपका फ़ायदा 3 से 4 गुना बढ़ना निश्चित है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आप बैम्बू लगाना चाहते हैं तो मेरा एक निवेदन है, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, मैंने कहा आप मेरे पास आइए, मैं आपको कई साल के जो मेरी ग्रोथ है वो दिखाऊंगा, एक्चुअल में दिखाऊंगा, और सभी लोग संतुष्ट होकर जाते हैं, डिमांड भी काफ़ी है और हमसे सलाह भी लेते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।